नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज की आज की सीरीज में हम जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में। हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है, इतना कि शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी सदियों से हम इंसानों ने इस अनंत ब्रह्मांड को जानने की और उसे समझने की लगातार कोशिशें की है। जहां तक हम इंसानों ने जाना है और जितने रिसर्च हुए हैं, उससे ये मालूम होता है कि ब्रह्मांड के दो प्रकार है। एक है दृश्य ब्रह्मांड और दूसरा है अदृश्य ब्रह्मांड। अब दृश्य ब्रह्मांड वो है जिसमें गैलेक्सी, तारे, हमारी पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, आकाशगंगाएं, निहारिका, प्रकाश, गति, इन सब का समावेश होता है जो हम देख सकते हैं। और अदृश्य ब्रह्मांड वो है जो इस सब के बाहर भी, इस सब के परे भी फैला हुआ है, मौजूद है। आइए हम इसे और सरलता से समझते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब बिग बैन हुआ तो कुछ भी नहीं था, मतलब कि ये आकाशगंगाएं, निहारिकाएं, सूर्य, चंद्र, तारे, गैलेक्सीज, प्रकाश, गति, यहाँ तक के समय भी नहीं था। लेकिन इससे पहले ब्रह्मांड तो था ही, जिसने बिग बैन को जन्म दिया। और उसके बाद बिग बैन से निकला हुआ मलबा अपना रूप लेके चारों ओर समस्त ब्रह्मांड में फैल रहा है, जो हम आज देख रहे हैं। बिग बैंग थियरी के अनुसार लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले बिग बैन हुआ। ये 13.5 अरब वर्ष हमारी काल गणना के हैं, मतलब के हम पृथ्वीवासियों के वर्ष के हैं। तो आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, हवा, पानी, प्रकाश, गति, कंप्यूटर, मोबाइल, आप, मैं, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और ये समस्त दृश्य ब्रह्मांड, वो सब बिग बैन से जन्मा है। इन सभी चीज़ों का रॉ मटेरियल उस बिग बैन में छुपा हुआ था और बिग बैन के बाद ये सारी चीज़ें अपना आकार लेकर पूरे ब्रह्मांड में चारों ओर फैलने लगी। अब ब्रह्मांड में प्रकाश की गति इन्फिनिट गति मानी जाती है, मतलब कि उस गति से तेज कोई भी भौतिकीय कण या खुद प्रकाश भी नहीं भाग सकता। और प्रकाश की गति 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर है। और इस रफ्तार से प्रकाश 1 साल में जितना अंतर काटता है, उसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो ये सारी भौतिकीय वस्तुएं जो ब्रह्मांड में फैल रही है, वो प्रकाश की गति से तेज नहीं फैली होगी। तो अब हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.5 अरब वर्ष पहले हुई, इसलिए ये सारी वस्तुएं अब तक 13.5 अरब प्रकाश वर्ष के दायरे में ही फैली होगी, उसके आगे नहीं गई होगी। खुद प्रकाश भी 13.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक ही मौजूद है। तो फिर उसके बाद क्या है? तो इसे ही दोस्तों अदृश्य ब्रह्मांड कहते हैं। उसके आगे क्या है, आज तक हम नहीं देख पाए हैं, क्योंकि जहां पर प्रकाश ही नहीं है वहां देख कैसे सकते हैं। हमारे शक्तिशाली टेलीस्कोप ने और सालों के अध्ययन से वैज्ञानिकों ने बहुत दूर की रोशनी का अध्ययन किया है, दूर की निहारिकाओं का, प्रकाश का, यहाँ तक के ब्लैक होल का भी अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन अब तक का ये सारा अध्ययन इस 13.5 अरब प्रकाश वर्ष में आने वाले दृश्य ब्रह्मांड के दायरे के अंदर ही है। उसके बाहर क्या है, वो हमारी कल्पना से परे है। फिर भी हम अटकलें लगा सकते हैं। हो सकता है उसके पार सिर्फ अनंत गहराई ही हो सकता है उसके पार कहीं दूर कई और बिग बैन भी हुए हो और हमसे भी बड़े कई और दृश्य ब्रह्मांड भी मौजूद हो सकता है उसके पार हमारा समानांतर ब्रह्मांड भी हो। और ये भी हो सकता है कि उसके पार जो कुछ भी है उसकी कभी हम कल्पना ना कर सकेंगे, क्योंकि हम इंसानों की समझ हमारे दृश्य ब्रह्मांड के बाद खत्म हो जाती है और हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे दृश्य ब्रह्मांड के दायरे के बाहर जो कुछ भी है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन अब तक हमने हमारे दृश्य ब्रह्मांड के दायरे में मौजूद बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया है। बहुत सारी अद्भुत और विचित्र वस्तुओं को हमने खोजा है, कई सारे खगोलीय पिंडों को हमने एक्सप्लोर किया है और हमारे ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों को हम जान पाए हैं। हमारी पृथ्वी हमारे सूर्यमंडल का एक सदस्य है, लेकिन हमारा सौर्यमंडल हमारी गैलेक्सी में एक बिंदु के समान भी नहीं है। और हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी भी इस ब्रह्मांड की चौड़ाई के सामने कहीं अदृश्य हो जाती है। तो दोस्तों, इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड के बारे में, उसकी गहराइयों के बारे में, ब्लैक होल, वार्म होल, डार्क मेटल्स, गति, समय,
और जितनी भी स्पेस साइंस रिलेटेड खोजें हुई है उन सबका ज्ञान हमारे आने वाले द नॉलेज के एपिसोड्स में हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के नाम द नॉलेज के सामने लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर आप सब्सक्राइब हो सकते हैं। तो आशा करते हैं आप हमारे साथ बने रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।